अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा उन लोगों के लिए जो अभी नया कनेक्शन जिन्होंने लगवाया है, VDSL या ADSL। जब भी वो कनेक्शन लगवाएं तो सबसे पहले ये काम लाजमी करें, दो स्टेप हैं। इससे होता ये है, अगर मॉडम आकर रीसेट हो जाता है या किसी किस्म की कोई सेटिंग रीस्टोर हो जाती है तो आपको ईज़िली उसकी सेटिंग को रीस्टोर करने में आसानी होगी। इस छोटी सी एक्टिविटी से मॉडम में कंसोल ओपन कीजिएगा। आईपी जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है PTCL के राउटर का 192.168.10.1 है। यूज़र नेम इसका एडमिन होता है। पासवर्ड जो होता है मैक एड्रेस के लास्ट 8 करेक्टर होते हैं, मैंने इसका चेंज किया हुआ पासवर्ड। लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपने जस्ट आना यहाँ पे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में यहाँ पे ऑप्शन आता है बैकअप का, ये आपने बैकअप सेटिंग में क्लिक करना है। ये सेव होगी फाइल आपकी। उसके बाद करना ये आपने कि आप ये देखें मेरे पास यहाँ पे वायरलेस पे स्टोर के नाम से एक कन्फिगर है SSID, एक PT के नाम से कन्फिगर है SSID जो हिडन है। ये कुछ पासवर्ड इसमें मैंने सेट किए हुए हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये पासवर्ड सेट है इसके। स्टोर का पासवर्ड सेट है, PTCL PT का पासवर्ड सेट है, अगर PT भी आता है उसका भी, ओपन है, हिडन है वो। ये जितनी भी सेटिंग है ना, ये सारी सेटिंग है, मैंने वो जो फाइल है बैकअप फाइल उठा ली है, सेव कर ली है। अब इन फ्यूचर कभी मेरी जो है वो सेटिंग रिमूव होती है या मैं हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ तो उनका जो वो स्टेप होते हैं ना, मॉडम में कंसोल ओपन करें, ये यूज़र नेम डालें, ये पासवर्ड डालें, ये करें वो करें, इन सब के वक्तों से आप बचेंगे। आपने जैसे ही आपका मॉडम रीसेट हो जाता है या आपके मॉडम की सेटिंग रिमूव हो जाती है, किसी किस्म का भी मसला होता है मॉडम की सेटिंग के साथ, आप उसको जस्ट रीस्टोर करेंगे। मैनेजर में दोबारा जाएंगे, वहाँ जाकर आपको रीस्टोर के अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट करेंगे या फिर चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करके आप यहाँ पे उसको पाथ दे देंगे, जो पाथ मैंने डाउनलोड किया मोबाइल में सेव कर लें या सिस्टम में सेव कर लें। ये मेरे पास आ गई, यहाँ पे मैंने अब इसका जो पाथ है डाउनलोड में आएगा मेरे पास या डॉक्यूमेंट में जिसमें भी आएगा, मैं जस्ट उस पाथ को उसमें अपलोड कर दूँगा। जब अपलोड कर दूँगा या डाउनलोड में, ये कन्फिग बिन के नाम से फाइल है मेरे पास, इसको मैं अपडेट करूँगा तो ये मेरी सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले थी वो हो जाएगी और मुझे किसी किस्म का किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे सेटिंग करवा दें। तो सिंपल सा वे है ये, जिसके थ्रू आप अपनी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये एक ऑप्शन है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सेटिंग है कि नहीं है। जब आप मॉडम कंसोल ओपन करते हैं तो ये मेन पेज आ जाता है, यहाँ पे इजी इंस्टॉलेशन है, इजी इंस्टॉलेशन में ये नंबर आ रहा है। अगर ये नंबर नहीं होगा यहाँ पे इस तरह PPP आ रहा होगा, PPP आ रहा होगा, इट्स मीन कि आपका मॉडम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला गया। इस सूरत में आप इसको जस्ट ये फाइल अपलोड करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर देगा। ये सिंपल सा मेथड है जिससे आप PTCL की हेल्प लेने के चक्करों से बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।